ओके, सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टॉक एरो के चैनल के ऊपर। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे ऑल अबाउट बॉन्ड मार्केट। सो बॉन्ड मार्केट के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बॉन्ड मार्केट आज कवर किए जाएंगे वीडियो के अंदर। एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, हमने हम हाँ, सो आपके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सो जस्ट जुड़े रहिए एंड ऑफ द वीडियो तक। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगर मैं मार्केट में देखता हूं, सो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है। अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं कहीं पर, सो आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे जहां पर रिटर्न यहां पर कम है बट रिस्क भी यहां पर कम है। यस, रिस्क तो यहां पर कम है बट रिटर्न भी आपको यहां पर कम मिलता है। सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है इक्विटी। इक्विटी में रिटर्न ज्यादा है बट रिस्क भी ज्यादा है, आपको एक कंसिस्टेंट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा इक्विटी में। सो यहाँ पर फ्लक्चुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लक्चुएशंस के कारण आपके रिटर्न में भी फ्लक्चुएशंस आ जाता है। सो क्या करें, बीच का रास्ता क्या है जहां पर मुझे कंसिस्टेंसी भी मुझे मिलनी चाहिए एंड साथ ही साथ मुझे सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, मतलब रिस्क आपका कम भी होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या? यस, ऑप्शन अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड मार्केट। सो आप इन्वेस्ट कर सकते हो बॉन्ड मार्केट के अंदर। नाउ बॉन्ड मार्केट के ऊपर मैं आपको यहां पर अंडरस्टैंडिंग देने की ट्राई करूंगा कि बॉन्ड मार्केट क्या होता है। नाउ चलिए, तो व्हाट इज बॉन्ड मार्केट। सो नाउ बॉन्ड मार्केट मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। ओके, सो नाउ बॉन्ड मार्केट को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं। सो नाउ मान लीजिए यहां पर एक कंपनी है, कंपनी को अगर पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। या तो कंपनी इक्विटी मार्केट से अपने पैसे को यहां पर रेज करेगी या फिर कंपनी यहां पर जाएगी बैंक के पास। ओके, सो अगर कंपनी इक्विटी मार्केट से अपने पैसे रेज करती है, मतलब शेयर्स को इश्यू करके पैसे यहां पर लेना, उसे हम कहते हैं इक्विटी मार्केट से पैसे रेज करना। सो यहां पर क्या होगा, एक डिसएडवांटेज है कंपनी के पास। क्या डिसएडवांटेज है, अगर कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो कम हो जाएगा, कंपनी की जो यहाँ पर हिस्सेदारी है वो यहाँ पर कंपनी को बांटनी पड़ेगी जनरल पब्लिक के साथ। सो एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है। सो जब भी यहाँ पर कंपनी को बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत होती है पैसों की तभी यहाँ पर आईपीओ के साथ आते हैं, वरना यहाँ पर नहीं आते आईपीओ के साथ। ओके, सो एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है, यहाँ पर इक्विटी के साथ हम इशू, सो हर बार हम इक्विटी इशू नहीं कर सकते जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है। सो सेकेंड ऑप्शन बच जाता है बैंक के पास से लोन लेना। सो बैंक के पास से अगर कंपनी लोन लेती है सो कंपनी को यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑलमोस्ट अराउंड 12%, 10 से 12% जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है कंपनी को बैंक को। नाउ तो दोनों तरह से यहाँ पर कंपनी को डिसएडवांटेज है, ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। सो नाउ एक तीसरा ऑप्शन है, दैट इज इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड। सो बॉन्ड को भी हम इश्यू कर सकते हैं यहाँ पर कंपनी। सो क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी जनरल पब्लिक जस्ट लाइक यू एंड मी, सो जनरल पब्लिक को यहाँ पर बॉन्ड्स ऑफर करते हैं। ओके, सो जनरल पब्लिक को यहाँ पर बॉन्ड्स ऑफर करते हैं कि आप हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए। जनरल पब्लिक अपने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के बॉन्ड्स में एंड यहाँ पर खरीदेंगे कंपनी के बॉन्ड्स। सो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंपनी को तो फायदा हो रहा है बट यहाँ पर इन्वेस्टर को क्या फायदा हो रहा है, हमें यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है वो हमें यहाँ पर देखना है। सो अगर मैं बैंक के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, बैंक मुझे यहाँ पर कितने देंगे एफडी के अंदर, 6% और 6.5%। सो कंपनी ने यहाँ पर क्या कहा, सो कंपनी यहाँ पर बोलता है कि आप मेरे बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा, 2% बैंक से आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक सो यहाँ पर जो कंपनी है कंपनी को 12% पे नहीं करने पड़ रहे हैं, यहाँ पर कंपनी को सेम लोन मिल जा रहा है सो इन्वेस्टर के पास जाए ओनली 8% पे। ओके, सो कंपनी को लोन यहाँ पर मिल रहा है ओनली 8% पे बाय इशूइंग द बॉन्ड एंड इन्वेस्टर को भी 2% यहाँ पर ज्यादा मिल रहे हैं जो एफडी में खाली 6% यहाँ पर मिल रहे थे। सो मैं बोल सकता हूँ दोनों में यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, कंपनी को भी फायदा हो रहा है एंड इन्वेस्टर को भी फायदा हो रहा है। सो इसी तरह बॉन्ड एक यहाँ पर एडवांटेज है। सो बॉन्ड मतलब जो कंपनी लोन रेस करती है बाय इशूइंग द बॉन्ड टू द इन्वेस्टर इज नोन एज बॉन्ड मार्केट। ओके, सो ये था बॉन्ड के बारे में। नाउ आगे बढ़ेंगे। सो हमने बॉन्ड के बारे में तो देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं।
सो व्हाई टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड। सो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, एफडी में लो रिस्क है लो रिटर्न है, स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क है हाई रिटर्न है, बट मुझे यहाँ पर एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, एक यहाँ पर कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए बट सिक्योरिटी के साथ, मतलब मुझे ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना। तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज बॉन्ड मार्केट। आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द बॉन्ड मार्केट दैट वी हैव अंडरस्टूड। सो चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं, इसके साथ ही साथ आपको एक और वर्ड आपको सुनने मिलेगा, दैट इज डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स का क्या मतलब है? सो डिबेंचर्स यहाँ पर दो तरह के होता है, एक यहाँ पर सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सो नाउ सिक्योर्ड डिबेंचर्स का क्या मतलब है? सो सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब कंपनी जब भी यहाँ पर डिबेंचर्स इश्यू करते हैं पैसे रेज करने के लिए, सो एक एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे साइड में रखा जाता है। मान लीजिए आगे बढ़कर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मतलब कंपनी उठ गई, सो फिर क्या होगा? आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे कंपनी के अंदर उसका क्या होगा? सो जो सिक्योरिटी जो एसेट्स को साइड में रखा गया है वो एसेट्स को बेच के आपके पैसे चुकाए जाएंगे। सो इसे कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, मतलब आप यहाँ पर सेफ हो, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। सो हमेशा याद रखिए जब भी आप डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, हमेशा आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर डिबेंचर्स सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। सो अब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है? सो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में एक ही डिफरेंस है कि बॉन्ड्स हमेशा सिक्योर ही होते हैं, बॉन्ड्स हमेशा सिक्योर ही होते हैं, एक यहाँ पर एसेट्स रखा जाता है सिक्योरिटी के तौर पे एंड तभी बॉन्ड को इश्यू किया जाता है। सो बोल सकते हैं बॉन्ड यहाँ पर सेफ है देन एज कंपेयर टू द डिबेंचर्स। ओके सो ये भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया का क्या स्टेटस है? सो इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे बाकी सभी फॉरेन मार्केट की अगर हम बात करते हैं, सो इक्विटी मार्केट जो भी आप शेयर मार्केट होता है उसके बराबर डेवलप होता है बॉन्ड मार्केट भी, डेट मार्केट भी उसके बराबर ही यहाँ पर डेवलप होता है, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर यहाँ पर अंडर डेवलप्ड है बॉन्ड मार्केट, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती। यस अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर दोनों तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यानी जैसे कि आप और मैं, ओके सो हम यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली कैसे? सो डायरेक्टली यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में भी जो भी यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं उन्हें यहाँ पर लिस्ट किया जाता है, वहां पर भी ट्रेडिंग होती है। एंड आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रिपेयर किया है जहां पर आप अकाउंट ओपन करा सकते हो एंड वहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डायरेक्टली बॉन्ड्स आप बाय कर सकते हो आरबीआई के डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट से। सो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है आरबीआई द्वारा। इसके अंदर कहां पर है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे अकाउंट ओपन करें, कैसे हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एक पूरी डिटेल वीडियो हम लेके आने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड। ओके सो नाउ रिटेल इन्वेस्टर इनडायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट करें? सो जो भी आप म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल सो डेट म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना ही होगा। सो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, सो वहां पर आपके पैसों को इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया जाता है बॉन्ड के अंदर। तो ये था रिटेल इन्वेस्टर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। नाउ बॉन्ड ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं, जस्ट लाइक इक्विटी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते ही जा रहा है, COVID-19 के बाद में मार्केट में जो और रैली यहाँ पर आई है जिसके कारण क्रेज बढ़ चुका है, सभी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। इसी तरह अगर आप बॉन्ड मार्केट में देखोगे, बॉन्ड जो लिस्टेड है पर्टिकुलर एक्सचेंज के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने नहीं मिलता, ओनली 1% का आपको वॉल्यूम देखने मिलेगा एंड बाकी का 99% वॉल्यूम ओटीसी मार्केट में है। ओटीसी मार्केट मतलब ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर मतलब फिजिकल मार्केट जहां पर कंपनी फिजिकली बॉन्ड इशू करती है एंड लोग यहाँ पर फिजिकली जाके बॉन्ड को परचेस करते हैं। सो बॉन्ड यहाँ पर ट्रेड भी होते हैं फिजिकली ओटीसी मार्केट में। सो मेजर ऑफ द मार्केट इज ट्रेडिंग अंडर द मेजर ऑफ द बॉन्ड्स आर ट्रेडिंग अंडर द ओटीसी मार्केट। ओके सो ये था इंडिया के एक स्टेटस की इंडिया के अंदर बॉन्ड मार्केट का क्या स्टेटस है। सो नाउ सो बॉन्ड मार्केट के बारे में हमने देख लिया, इंडिया का स्टेटस हमने देख लिया, अब हम यहाँ पर समझेंगे फेस वैल्यू के बारे में। तो फेस वैल्यू मतलब क्या? सो फेस वैल्यू मतलब जैसे कि अगर मैं बॉन्ड इशू करता हूं, कंपनी ने यहाँ पर बॉन्ड इशू किया 1,000 रुपीज पे, ओके कंपनी ने यहाँ पर बॉन्ड इशू किया 1,000 रुपीज पे, सो इसकी फेस वैल्यू होगी, मतलब जैसे कि आईपीओ के दौरान जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है जो प्राइस पे, उसे हम कहेंगे इशू प्राइस।
सो ये प्राइमरी मार्केट का प्राइस है। जैसे ही शेयर्स यहाँ पर लिस्ट हो जाते हैं मार्केट में, प्राइस में फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसी तरह बॉन्ड का भी है, बॉन्ड यहाँ पर जब इशू किया जाता है वही हम इसे कहेंगे फेस वैल्यू आपकी हो जाती है वो। सो कौन से प्राइस पे इशू किया, 1000 रुपीज पे इशू किया, ये आपकी फेस प्राइस से ही आपकी होगी फेस वैल्यू। अब इसे लिस्ट किया जाएगा एक्सचेंज के अंदर, बॉन्ड में भी ट्रेडिंग होगी, बॉन्ड की भी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, ऊपर नीचे होगी। सो मान लीजिए आपका करंट मार्केट प्राइस हो गया है 900 रुपीज, अब यहाँ पर बॉन्ड ट्रेड कर रहा है 900 रुपीज पे। सो हम इसे कहेंगे कि आपका बॉन्ड यहाँ पर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, इट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। इफ योर प्राइस गोज अबाउ योर फेस वैल्यू, दैट इज इफ इट इज ट्रेडिंग एट 1100 1100, सो हम बोलेंगे यहाँ पर कि आपका बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। एंड इफ योर करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू योर फेस वैल्यू, इट मीन्स दैट योर बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार। ओके, सो ये था फेस वैल्यू के बारे में। सो ये खाली हमने यहाँ पर ओवरव्यू दिया है, बट फेस वैल्यू के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हम लेके आने वाले हैं हमारे चैनल पे। नाउ द नेक्स्ट इज अ सरप्राइज टू ऑल द पार्टिसिपेंट, सभी के लिए यहाँ पर सरप्राइज है। जस्ट लाइक हम हमारे चैनल पे एक बॉन्ड के ऊपर डिटेल सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बॉन्ड के रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सो जिस तरह से आप इक्विटी मार्केट में शेयर्स को फंडामेंटली एनालाइज करते हो, टेक्निकली एनालाइज करते हो, बॉन्ड्स को भी एनालाइज करने की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, कैलकुलेशंस के साथ, एक्सेल शीट के साथ, आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करेंगे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस, जहां पर आपको बॉन्ड्स को कैसे एनालाइज करें, कैसे हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें, प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कैसे अकाउंट ओपन करें, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी चीजें इन डिटेल आपको हम एक्सप्लेन करेंगे इस बॉन्ड की सीरीज में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टॉक एरो के चैनल के ऊपर। तो कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर होंगे आप देख सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMOS, ओके, सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, व्हाट इज कन्वेक्सिटी, रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड द रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कौन से इन्वॉल्व्ड है, कैसे हम मिनिमाइज करें, एंड हमारा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें, मनी मार्केट के अंदर कॉल मनी मार्केट, रेपो मार्केट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।